आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा बरसा मुझ पापी पर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अपनी जान दिया, जब मैं पापी था तूने क्रूस पर अपनी जान दिया। फिर भी तेरे प्यार को भूल कर मैंने गलती पर गलती। मुझ पर दया करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नवेने के चौथा दिन सिस्टर फोस्टिना मुख्य उद्देश्य के रूप में हम सबों को देती हैं
कि हम प्रार्थना करें अविश्वासियों एवं गैर क्रिश्चियों की आत्माओं के लिए। सिस्टर फोस्टीना अपने डायरी में लिखती हैं, आज उन लोगों को मेरे पास लाओ जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और जो मुझे नहीं जानते। मैंने अपने दुख भोग के समय उनको भी याद किया था। उनके भावी धर्म उत्साह ने मेरे हृदय को दिलासा दी थी। उन्होंने उन्हें भी लाकर मेरे असीम दया के सागर में डुबा दो। हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे अविश्वासियों और गैर क्रिश्चियों हैं, और आज हमारा काम है, उद्देश्य है, निरंतरता से उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये लोगों में दो प्रकार के लोग हैं। एक है अच्छे लोग, अविश्वासी गैर क्रिश्चियन होने के बावजूद भी उनमें अच्छाई है, भलाई है, ईमानदारी है, निष्ठा है, समर्पण है, सेवा भाव है, और प्रभु देखते हैं, जानते हैं, सराहना करते हैं। आज हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भलाई का काम द्वारा ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के माध्यम से ये लोग प्रभु की इच्छा को पूरा करें। गैर क्रिश्चियन लोग अपने विश्वास के माध्यम से अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से मानव जाति के लिए काम करते जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जीवन काल में इस प्रकार के लोगों को, हम आज बोलेंगे अन्य लोगों को, the other, other than us, इनकी सराहना की, उनके पास गया, सुसमाचार की घोषणा की, उनको उत्थान किया। टुडे वी स्पीक अबाउट एन इंक्लूसिव सोसाइटी, द बेस्ट टू द लीस्ट एंड द लास्ट एंड टू द लॉस्ट, एंड दैट इज व्हाट जीसस केम टू डू इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने आया ताकि हम सबको जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। संत जोहन के सुसमाचार में अध्याय 4 में वाक्य 1-42 तक हम देखते हैं सामरी स्त्री का उदाहरण, गैर यहूदी। उनके पास प्रभु स्वयं जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके संपूर्ण जीवन को उनके सामने रखते हैं, और प्रभु उनसे बोलते हैं, काश इफ यू ओनली नो हु इज स्पीकिंग टू यू, यू विल आस्क फॉर लिविंग वाटर फ्रॉम हिम। यदि तुम जानती हो कि कौन तुमसे बात कर रहे हो, तुम उनसे पूछेंगे, मुझे संजीवन जल दीजिए। एक बार प्रभु को मिलने से, प्रभु से बात करने से सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। और हम सुसमाचार में देखते हैं सबसे पहला मिशनरी बाइबल के इतिहास में वह स्त्री थी, सामरी स्त्री, गैर कैथलिक, गैर क्रिश्चिय। और उन्होंने अपने गांव में जाकर सबको बोला, आकर देखिए। और देखने के बाद उन्होंने बोला, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं, हमको मालूम है ये मसीह है, आने वाले मुक्तिदाता है। ये अद्भुत योजना है, प्रभु की अद्भुत योजना है। इसलिए जैसे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, हु एम आई टू जज, हम कट्टरपंथी बनकर किसी को दंडित न करें। ये नवाने का चौथा दिन हमारा दिल उदार बने, सबको समेटने वाला बने, अलग करने वाला नहीं। संत लुकास के सुसमाचार में अध्याय 17 में वाक्य 11-19 तक हम देखते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में। उनको शुद्ध करने के बाद, चंगाई करने के बाद, उनमें से सिर्फ एक जन
प्रभु के पास आकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं और उद्धार पाता है। और बाइबल स्पष्ट रूप से लिखते हैं वह सामरी था, गैर क्रिस्तीय व्यक्ति, अविश्वासी व्यक्ति, गैर यहूदी। अद्भुत 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 प्रभु की प्रतिक्रिया। शतपति के विश्वास को देखकर उन्होंने कहा, मैं इसराइल में भी इतने बड़ा विश्वास नहीं देखा, इसराइल में भी मैं इतने बड़ा विश्वास नहीं देखा। जकियुस को देखकर प्रभु जो जा रहा था, प्रभु रुक गया, रुक जाते हैं प्रभु। और ऊपर देखकर जकियुस से बोला, नीचे आओ, मुझे तुम्हारे घर में आना है। और पूरा नाकेदार सब कुछ, भीड़ के भीड़ उनके घर में भोजन पर। और उन्होंने कहा, कुड़कुड़ाने वालों से, बुनबुनाने वालों से, जजमेंट करने वालों से उन्होंने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। कितने अद्भुत ईश्वर है हमारा ईश्वर, कितने अद्भुत ईश्वर है। आज नवीन का चौथा दिन हमारे दिल में प्रभु के प्रति प्यार से भरना है। और यही प्यार को हम अपने जीवन में लागू करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। अनुकंपा और प्यार से परिपूर्ण ईश्वर। संजीवन के सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 16 और 17 में प्रभु कहते हैं, God so loved the world that he gave his only son, not to condemn the world but to redeem the world। संसार को प्यार किया, यहूदियों को नहीं, क्रिश्चियों को नहीं, सिर्फ चुने हुए लोगों को नहीं, सिर्फ भक्तजनों को नहीं, संसार भर के लोगों को, गैर क्रिश्चियन, गैर यहूदी, पापी, भक्त, संत, सबको। अद्भुत प्रभु, अद्भुत ईश्वर। हमारे दिल में प्रभु के प्रति प्यार होना चाहिए। हमको सबसे ज्यादा प्रभु को प्यार करना है, उनके योजना है। हम ये प्यार में डूब जाए, उनके दया में डूबकर इस दया का बखान करें। चौथा दिन अपने आप को समर्पण करें और इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये लोग सब प्रभु को जाने, पहचाने और अपनाएं। आइए मांग बंद करेंगे, समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि आसागर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके असीम अनुकंपा और प्रेम के लिए, आपके अपार कृपा के लिए, आपके अद्भुत तरीका के लिए, जिसके माध्यम से आप समाज के किनारे हुए लोगों को, समाज से दूर रहने वाले लोगों को अपनाते हैं, मुक्ति का, मुक्ति के राह पर ले चलते हैं। हम सबों को ऐसी कृपा दे प्रभु कि हम आप जैसे बने, अच्छाई को देखे, भलाई को देखे, साधुवाद करें, धन्यवाद दें, और हम सचमुच में संसार की ज्योति बने, नमक बने, उजियाला बने। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम से, आमेन। हम सब मिलकर अविश्वासियों एवं गैर क्रिश्चियों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हे दयालु यीशु, आप जो संसार की ज्योति हैं, अविश्वासियों और गैर क्रिश्चियों की आत्माओं को अपने करुणा में दयालु पवित्र हृदय धाम में स्वीकार कर, जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं, आपकी अपार दया की किरणों से उन्हें प्रकाशित कर, जिससे वह हमारे साथ मिलकर आपकी अद्भुत दया की प्रशंसा कर सके, आमीन। अभी हम सब मिलकर करुणा रोसरी बोलेंगे, अपने संपूर्ण चिंताओं को प्रभु पर छोड़ेंगे और प्रभु के दया पर
आसरा भरोसा रखकर एक मत होकर दया के लिए अनुनय विनय करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वर आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर दया कर।
भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया कठोर पापियों के मन परिवर्तन में उपस्थित, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया संतों की समझ से बाहर और स्वर्गदूतों के लिए विस्मयकारी, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया ईश्वर के सदस्यों में जिनकी कोई था नहीं, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिसमें हमें सब डूबे हुए हैं, आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखी दिल के लिए मीठी राहत, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दिलों को विश्राम और डर के विचारी, आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र आत्माओं की खुशी और उनके परमानंद, आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया आशा के खिलाफ प्रेरणादायक आशा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे ईश्वर के सबसे बड़ी दया दिखाने हैं तू, दुनिया की मुक्ति क्रूस पर की, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो दयालु होकर हमारे लिए स्वयं को हर पवित्र मिसा में चढ़ाते हैं, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के ईश्वर की दया उनके सारे काम में व्याप्त है। मैं सदा के लिए उनकी दया का गुण गाऊंगा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर आपकी दया असीम और आपकी दया का स्रोत अक्षय है, दया पूर्वक हम पर दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम उन कठिन परीक्षाओं के बीच भी कभी निराशा में न पड़े बल्कि सदैव आशा पूर्वक स्वयं को आपकी पवित्र इच्छा के साथ
एक कर सके, जो कि दया स्वरूप है। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो दयामय राजा है, जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग हम पर दया करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। ए शाश्वत परमपिता, सभी अविश्वासियों और गैर क्रिस्तियों की आत्माओं पर, जो अभी तक आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के परम दयालु हृदय को नहीं जानते हैं, अपनी दया की दृष्टि उन पर डाल, जिससे वे सुसमाचार के प्रकाश से आलोकित होकर आपके प्रेम के आनंद को समझे और इन्हें वर दे कि वे भी अनंत काल तक आपकी दया की उदारता की प्रशंसा कर सके। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Jesus, the ocean of mercy, fountain of all our life. Jesus, the savior of world, come with your mercy and love. Holy God, the mighty God, we trust Jesus, your precious blood flowed out from your heart to all. Almighty, holy Redeemer, holy be your name. Holy God, the mighty God, we trust. Your pardon and peace, shield us with the Father's love, bless us with your pardon and peace, dispel all the clouds of darkness, be the light all of our days, holy God, the mighty God, we trust.